हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई, अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीएसएससी सीजीएल का एक सीरीज चल रहा है हम लोग का, जिसमें हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जो हम लोग का टारगेट क्या रहेगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, जीएसएससी सीजीएल 2024 के लिए हम लोग मैथ्स का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपको PYQ विथ कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा, वो भी बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, सेट हमारा क्या है, सेट 16 नंबर है। ठीक है, अभी तक हम लोग 15 नंबर सेट तक कर चुके हैं, और आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो ये आप पीछे जा करके 15 सेट आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट क्या है कि टारगेट है 60 में 60 मार्क्स लाने का टारगेट है, यानी कि 60 में 60। तो जिस तरह से, और ये सेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि तो इसमें जो सवाल है वो इंक्लूड किए हैं, वो जो 2023 में जो भी एग्जाम हुआ है उसको मतलब इम्पोर्ट किए हैं ये सवाल को। ठीक है, तो ये सेशन आप लोग के लिए क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं एक कोट के साथ कि किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद से कुछ करने का हुनर रखते हैं। यानी कि बता रहा है कि बादशाह उसी को बनाया जाता है ना, बादशाह उसी को बनाती है किस्मत जो खुद से कुछ करने का हुनर रखते हो। जैसे आप खुद से, मतलब यदि आप अपने आप को 100% दे रहे हैं या किसी भी चीज पे 100% लगा रहे हैं अपना फोर्स, तो वो क्या होगा, आपकी किस्मत आपको बादशाह बना ही देगी। ठीक है, चले तो सवाल से हम लोग डिस्कस करते हैं। और एक चीज आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये एप्लीकेशन बन चुका है। ठीक है, मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय सुजीत सर के नाम से, जैसा आप यूट्यूब चैनल का नाम है वैसा ही एक एप्लीकेशन तैयार हो गया है। तो जो आप लोग का ही डिमांड था कि सर ऑनलाइन है ना बैच खरीदना है या बैच परचेज करना है, तो उनके लिए एप्लीकेशन है। ठीक है, आप लोग डाउनलोड करके इसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, क्या 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 आपको है यहाँ पे पैथागोरस, ये हमेशा आप लोग को PDF में ये अटैच कर देते हैं कि आपका पैथागोरस थ्योरम जो है वो एडवांस में बहुत ही मतलब यूजफुल है। इससे क्या होता है कि बड़े से बड़े सवाल हम लोग ट्रिकी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं उसको। ठीक है, चलिए तो आप लोग देख सकते हैं इसे ऐप में। पहला जो है वो जेएसएससी सीजीएल को टारगेट किया गया है, जिसमें आपको 399 में आपको कंप्लीट मैथ्स की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, उसमें आपको चैप्टर वाइज भी रहेगा और MCQ भी रहेगा चैप्टर वाइज से रिलेटेड, फिर आपका मिक्स मैराथन और टेस्ट जो रहेगा, इसमें टेस्ट रहेगा वो क्या रहेगा, आपका फ्री रहेगा। ठीक है, टेस्ट तो आप लोग इसको इसमें एनरोल हो सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, सहायक आचार्य जैसा कि 1 to 5 के लिए निकल चुका है, तो ये 6 to 8 के लिए, वो भी साइंस मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसका टोटल आपका 1500 लगेगा इसमें, है ना, तीनों सब्जेक्ट का पर सब्जेक्ट का 500 रुपये करके। तो आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, इससे एक क्रैश कोर्स के जैसा होगा और जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है, चलिए। और ये फाउंडेशन बैच है, इसमें आप कोई भी एग्जाम, चाहे आपका SSC एग्जाम हो, JSSC हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम आप इसमें इसको पढ़ करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब जितना भी सारा एग्जाम होता है, मतलब मैथ्स में जितने भी सारी चीजें पूछी जाती है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फाउंडेशन बैच, इसमें आपका एक भी चीज छोड़े नहीं है जिससे मतलब सवाल मिस हो, मतलब जितना आपको बताएंगे तो आप जा करके इसमें देख सकते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा कंप्लीट हो चुका है और भी स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आपको लाइव क्लास भी मिलेगी, है ना। तो इसमें एक एक चीज ऐसा है कि आपका मतलब जो भी चैप्टर आपका जो आपको पढ़ाए हैं या पढ़ाएंगे, तो उसमें एक भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जो आपका कोई भी एग्जाम में छूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग फाउंडेशन को शुरू कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से आते हैं, आज का पहला नंबर सवाल। देखिए, इम्पोर्टेंट सेशन इसलिए बोल रहे थे क्योंकि यह आपको स्क्रीनशॉट ही लिए हैं। ठीक है, मतलब जो 2023 में पूछा गया सवाल है, कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको भी आंसर देने का मौका मिलेगा इसमें। तो बताइए इसका आंसर कितना होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं। जो मेरे से पढ़े हैं पहले, वो डायरेक्ट आप विदाउट पेन पेपर उठ इसका आंसर बता सकते हैं। बताइए कितना है,
चलिए आप इसमें तो बताना है क्या आपको आंसर क्लिक है ना। चलिए तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या बोला है कि अल्फा प्लस बीटा या फिर ए प्लस बी 90 के बराबर होता है तो आपका वो वैल्यू कितना होता है, तो वो वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे देखिए आपका 37 और 53 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे 47 और 43 इसका ये दोनों का सम कितना होगा, 90 के बराबर होगा, तो ये दोनों का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसके बीच का क्या साइन है, माइनस का, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का सही आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए ट्रिगोनोमेट्री में जितना भी सारा और एप्लीकेशन में आपको बताएंगे पूरा डिटेल में आपका लाइव क्लास चलेगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक में हम लोग जो भी फॉर्मूला पढ़ेंगे ना वो 1 के बराबर लाएंगे, बस कोशिश करेंगे कि 1 के बराबर आ जाए, तो फिर वहां से और एक वैल्यू पुटिंग मेथड, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, अब यहाँ पे आपका ट्रिपलेट्स काम करेगा, जहां पे आपका समचतुर्भुज रहता है, और ये देखिए आपका पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, क्या बोला है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यदि समचतुर्भुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबा है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप इसका फिगर बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे सभी भुजाएं इसकी क्या होती है, बराबर होती है। जब सभी भुजाएं बराबर होती है तो इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा, तो वर्ग के जैसा होगा, स्क्वायर के जैसा। तो इसका जो पैरामीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4a। और 4a का वैल्यू दे रखा है 52, तो a का वैल्यू आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 चौक कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, यानी कि आपका ए का वैल्यू, साइड का वैल्यू 13 आ गया। अब थोड़ा सा भी यदि आप ट्रिक यहाँ पे देखेंगे तो जब भुजा इसका क्या है, 13 है, और इसका डायगोनल यदि हम लोग खींचते हैं इस तरह से, तो ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो आपका एक राइट एंगल ट्रेंगल बनता है, और राइट एंगल ट्रेंगल में ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो छोटा डिफरेंस। तो आपका ट्रिपलेट्स क्या बन रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रिपलेट्स आपका 5, 12, 13 का ट्रिपलेट्स बन रहा है, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट्स बन रहा है। 5 को डबल करेंगे तो 10 मिलेगा, 12 को डबल करेंगे तो 24 मिलेगा, और 13 को डबल तो करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये साइड है। तो आपका यहाँ पे 10 और 24 है, तो 10 में ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 24 में ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, क्योंकि ये इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करता है। आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था एरिया इसका। तो एरिया क्या होगा, एरिया बराबर होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2 होता है। अब हाफ इंटू d1 इंटू d2, तो d1 आपका कितना है, तो d1 आपका 10 सेंटीमीटर है, चलिए d1 10 सेंटीमीटर है, और d2 कितना हो जाएगा, तो 12 और 12 कितना हो गया, 24 हो गया, तो 24 हो जाएगा। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आप कितना लाएंगे आंसर, 120। तो 120 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर है ना, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया। तो देखिए ये लंबा प्रोसेस पूरा डिटेल में बताएं इसलिए आपको लगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे देखते हैं कि ये भुजा हमारा 13 है, तो आपका ट्रिपलेट्स आ जाएगा यहाँ पे 5, 12, 13 का ट्रिपलेट्स आएगा। 5 को डबल करेंगे 10, 12 को डबल करेंगे 24, और एरिया का शॉर्ट फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, मतलब d1 इंटू d2 दोनों को गुना करके और हाफ कर देना है। तो इसको गुना करेंगे तो डबल डबल करके ये 10 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा, तो 240 है ना, 240 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। दो संख्याओं के योगफल और गुणनफल क्रमशः दे रखी है 11 और 18, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। यदि हम दो संख्या मानते हैं यहाँ पे a प्लस बी एक ले लेते हैं, a प्लस बी दिया हुआ है दोनों का योगफल, तो योगफल हम लोग 11 ले लेते हैं, यहाँ पे 11 दिया हुआ है, और इसका गुणनफल आने की a भी, तो a भी कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। अब आपको क्या चाहिए, आपको इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, मतलब उल्टा। ठीक है, इनवर्स इसका। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले पहले इसी को सॉल्व करने कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो अलग अलग है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a इंटू b, और जब ऊपर 1 रहता है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, a प्लस b या फिर b प्लस a, वही चीज़ है। आपका बताइए, आपको क्या दे रखा है, a प्लस b दे रखा है 11, और a इंटू b दे रखा है आपका 18, तो 11 बट्टा 18 आपका आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है सही आंसर है। चलिए यहां तक क्लियर है, किसी किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखिए ये सवाल, सवाल नंबर 4 है ये, ठीक है। इसका हिंदी नहीं हुआ लेकिन समझा देता, कोई वैसा खास है नहीं। सवाल बोला है कि कर्व सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल सरफेस एरिया कुल क्षेत्रफल आपको निकालना है किसका, हेमिस्फेयर का, अर्धगोला का, ठीक है। अर्धगोला का आपको क्या क्या निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया, आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, ठीक है। अर्धगोला का यदि हम लोग फिगर बनाते हैं तो इस तरह से आपका बनेगा अर्धगोला, है ना, एक कटोरी के जैसा, ठीक है। अब बोला है कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला आपका पार्ट हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया में क्या जोड़ेंगे, तो ये आपका एरिया क्या है, तो पाई आर स्क्वायर है। तो कर्व सरफेस एरिया में आप पाई आर स्क्वायर को जोड़ देंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग केवल कर्व सरफेस एरिया पूछा है, ये दोनों पूछा है, हम लोग किसी एक को निकालेंगे ना तो वो दोनों आ जाएगा। तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया को निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया, तो गोला का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो गोला का होता है, एक गोला का यानी कि स्फेयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका कितना हो जाएगा, इसको हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से आप 2 × 22/7 × r² रेडियस आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, बहुत ही आसान सब टॉपिक दे रखा है, ये वैल्यू दे रखा है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका 44 × 7, 44 को 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 7 को 4 से गुना करेंगे तो 7 चौ कितना हो जाएगा, 28 का 8। लास्ट में 8 कहाँ पे है, कर्व सरफेस एरिया में, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भले ही ये आंसर टिक आउट है लेकिन आपको बता रहे हैं कैसे आपको चूज करना है, ठीक है। मतलब हाँ, पूरा जरूरी नहीं कि ये इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कम से कम सब 10 से 15 सेकेंड आपका यहाँ समय ले लेगा, तो आप 10 से 15 सेकेंड समय को बचा सकते हैं, क्लियर है। टोटल सरफेस एरिया आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया एक ही ऑप्शन में 308 है, 308 कहीं और रहता तब हम लोग दूसरा निकालते, तो ये मैच कर गया तो ये भी मैच कर जाएगा, ठीक है। चलिए तो, और यदि आपको निकालना हो तो आप पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई आर स्क्वायर निकाल करके इसमें जोड़ देंगे आंसर 308 में, तो आपका मिल जाएगा। चलिए तो अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 5। इसमें बोला है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 73 एंड 657, ठीक है। चलिए एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, इसका फैक्टर निकालते हैं, इसका फैक्टर कितना हो जाएगा आपका 73 हो जाएगा, और इसका फैक्टर आपको निकालना है कि 600 कितना, 657 का फैक्टर निकालना है, तो एक तो आपका 1 रहेगा ही रहेगा, एक 73 रहेगा ही रहेगा, क्यों, क्योंकि एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम दोनों का, यानी कि 73 से इसको यदि डिवाइड करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि 73 से ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, यदि ये डिवाइड हो जाता है, यदि ये डिवाइड हो जाता है तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। HCF पूछता तो केवल 73 लिख देते हैं, हम लोग का HCF आ जाता है, ठीक है। तो LCM 73 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, आप मल्टीप्लाई करके देखिए कि 7 लास्ट में कितना आ रहा है, है ना, 3 का टेबल में, तो 9 बार में आ रहा है, तो 9 बार में आप यहाँ पे कर सकते हैं 9 से, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, है ना, 9 से 63 और 2 कितना हो जाएगा 65, यानी कि 9 बार में कट जा रहा है, ठीक है, यानी कि 73 × कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब HCF या इसका सॉरी LCM पूछा है, तो LCM ऑफ किसका, तो 73 एंड 657 का कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 73 एक मैच किया तो 73 × 9, जो कि क्या है आपका यही पे है 657 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 657 आपका आंसर हो गया। लेकिन यदि आपको HCF पूछता कि HCF क्या है आपका 73 और 657 का, तो आप HCF क्या निकालते हैं, जो कॉमन फैक्टर है, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 73, यानी कि 73 आपका आंसर हो जाता। लेकिन आपसे पूछा क्या है, LCM पूछा है, तो आप LCM का आंसर यहाँ पे देंगे, ठीक है, क्लियर हो गया।
चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर सिक्स, देखिए सवाल नंबर सिक्स भी आपका बेहतर है ना, मतलब बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे केवल कंफ्यूजन है, बाकी तो इसका फॉर्मूला कौन नहीं जानता है ना। माइनस से प्लस में जाएंगे या प्लस से माइनस में जाएंगे तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते ही है। मेन चीजें तो ये है कि इसको कैसे अरेंज करें। यहाँ पे देखिए आप तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा फाइव एक्स इंटू माइनस कितना हो जाएगा टू, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा इज इक्वल टू फाइव अपॉन क्या हो गया एक्स हो गया। आप फाइव अपॉन एक्स को इधर ले आइए और फाइव एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका टू हो जाएगा। टू को हम लोग इधर ले आए, फाइव बाई एक्स को हम लोग इधर ले आए। अब यहाँ से फाइव को कॉमन लेते हैं तो आपका क्या आता है वन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाता है टू, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका टू बट्टा फाइव आ जाएगा। चलिए आपका एन का वैल्यू मिल गया, आप यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। यदि आप फॉर्मूला ही देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं तो आपका क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये चीजें आ जाएगी, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है यहाँ पे, देखिए यही मेन फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो बाकी आप जो भी ने यहाँ से जो पूछेगा वो आप निकाल सकते हैं। आपसे क्या पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा है, ये वाला पूछा है ना ये पार्ट। तो जब ये पार्ट पूछा है तो माइनस टू को इधर लाना पड़ेगा और इसको एन मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा क्या एन स्क्वायर प्लस टू आ जाएगा, ये फॉर्मूला हो गया। और यदि यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे प्लस होता तो एन स्क्वायर माइनस टू होता, ठीक है। एन क्या है यहाँ पे टू बट्टा फाइव, तो टू बट्टा फाइव का होल स्क्वायर प्लस टू कितना आ जाएगा पच्चीस, ऊपर में चार और नीचे पच्चीस, तो पच्चीस और दो सत्ताईस है ना, सत्ताईस और चार आपका कितना हो जाएगा एक मिनट सॉरी, ये हो जाएगा आपका टू टू जा फोर डिवाइड बाय ट्वेंटी फाइव प्लस कितना हो गया टू हो गया, ठीक है। पच्चीस दूना पचास, सॉरी पच्चीस दूना पचास और पाँच कितना, चार कितना हो गया चौवन बट्टा कितना हो जाएगा पच्चीस हो जाएगा। चौवन बट्टा पच्चीस आपका आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए पे है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आप लोग को ये चीजें याद है मतलब, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये फाइव को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ फाइव एक्स है, यहाँ पे फाइव बट्टा एक्स है, तो यहाँ पे जो क्लियर होगा आपका डायरेक्ट आप इस सवाल को लिख सकते थे वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या है टू बट्टा क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टू यहाँ से एक्स कैंसिल हो रहा है, टू कॉन्स्टेंट आएगा और ये इसका आप निकाल रहे हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसका स्क्वायर प्लस टू आप कर सकते थे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक से बता दिए ताकि आप लोगों को कोई भी सवाल इस तरह का है तो सबसे पहले हम लोग इसको अरेंज करेंगे, इसके बाद हम लोग फॉर्मूला करेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर सिक्स सॉरी सेवन। सवाल नंबर सेवन देखिए, आपको हर चीज ये चीज बता रखे हैं आप लोग को कि रेडियस डबल हो जाएगा, जब साइड डबल हो जाएगा तो क्या होगा उसका, है ना, क्या फर्क पड़ेगा। तो वैसे ही ये सवाल आपको पूछा हुआ सवाल है, लाइक यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा या कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पे आपको गोले का बोला है स्फीयर का, तो स्फीयर का रेडियस को डबल कर रहा है, तो सबसे पहले सरफेस एरिया देखते हैं कि स्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। तो स्फीयर का सरफेस एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर, जो कि अभी हम लोग लिखे थे वहां पे हेमी स्फीयर का है ना सरफेस एरिया। तो यहाँ पे सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों बराबर होगा, टोटल सरफेस एरिया भी यही चीज होता है, इसलिए सरफेस एरिया केवल यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए, अब नया वाला जो सरफेस एरिया है, नया वाला सरफेस एरिया को हम लोग दूसरा पेन यूज करते हैं, है ना, न्यू सरफेस एरिया, ठीक है। न्यू सरफेस एरिया लिखेंगे तो फोर पाई आर को क्या कर रहा है यहाँ पे दोगुना कर रहा है, डबल कर रहा है, तो टू आर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब अरेंज करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा दो गुना चार हो जाएगा। अब देखिए इसमें कितना का मल्टीपल है, ये तो आपका एरिया आ गया ना सरफेस एरिया, और कितना का मल्टीपल है चार का, तो चार गुना चार सौ परसेंट आपका सही आंसर होगा,
400% होगा, ठीक है? ये 300% रॉन्ग आंसर इसमें दिया हुआ है, 400% इसका आंसर होगा। हाँ, सिंपल सा बोला है, रेडियस को डबल करना है, तो रेडियस को डबल करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 times हो जाएगा, तो 400% इंक्रीज करेगा, ठीक है? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8 नंबर होगा शायद ये, है ना, 8 या 9 होगा। ध्यान देंगे यहाँ पे, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दिस इट्स साइड विल बी, देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल है, यदि किन्हीं को भी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप डायरेक्ट आंसर बता दीजिएगा विदाउट पेन पेपर का, ठीक है? क्यों? आप यहाँ पे जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर इसका क्या होता है, एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। अब ये क्षेत्रफल आपको दे रखा है 1.173.2 दे रखा है, और आप जानते हैं कि ये किसका वैल्यू है, 1.73 किसका वैल्यू होता है, तो ये आपका √3 का वैल्यू है, बस यही चीज तो दे रखा है आपको, ठीक है? तो यहाँ पे √3 का वैल्यू आप 1.73 रख सकते हैं, 732 एक डिजिट और ले लिया तो एक डिजिट और ले लेंगे, और डिवाइडेड बाय 4 गुने भुजा का स्क्वायर, और भुजा ही तो पूछा है आपको, इसका भुजा कितना होगा। अब इसको यहाँ पे देखेंगे 173.2, और इसको कैंसिल आउट करेंगे, जब पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे हम लोग तो 2 0 आएगा, यानी कि ए का जो वैल्यू होगा ए स्क्वायर का वो 4 × 100 आएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 400 आ जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो 20 हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। क्लियर है यहाँ पे? यदि नहीं समझ में आया हो किन्हीं को तो यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, 173.2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1.732, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे, ये जहाँ पे नहीं समझ में आया जिनको उनके लिए, ये एक जीरो से आप यहाँ पे एक जीरो बैठाएंगे, ये 3 0 से आप यहाँ पे 3 0 बैठाएंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे नहीं है पॉइंट, तो ये कैंसिल आउट हो गया, इसका आंसर कितना आ गया, 100 आ गया, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 100 हम लिख दिए, ठीक है? क्लियर है सवाल? अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9, रेखा PQ के दोनों अनंत बिंदु तक बिंदु क्रमशः इतना और इतना है ना, 2, 2.3 तथा 4.1 है, तो रेखा PQ के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है? आप देखिए यहाँ पे मध्य बिंदु बोला है, बहुत सारा सवाल ऐसा करवा रखे हैं हम आपको, ए पॉइंट बी पॉइंट आपको दे रखा है, तो मध्य बिंदु आने की बीच वाला पॉइंट आपको निकालने बोल रहा है, ये बीच वाला पॉइंट क्या होगा इसका, तो मीडियन फार्मूला आप सभी को ही जानते हैं, ठीक है? क्या होता है, ये हम लोग एक्स वन और ये वाई वन लेते हैं, ये हम लोग का एक्स टू और ये वाई टू होगा, तो आपका एक्स का वैल्यू निकलेगा एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू, और वाई का वैल्यू निकलेगा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू, तो आप किसी एक को निकाल लेंगे, है ना, जैसे एक्स वन प्लस एक्स टू, तो 4 और 2 6, 6 को भाग दे देंगे 2 से, तो 3 आएगा, है ना, 3 आ जाएगा, तो 3 यहाँ पे देखिए प्लस में 3 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, तो आपको वाई का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, यदि आपका एक वैल्यू पता चल जा रहा है तो दूसरा वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, यदि आपके ऑप्शन में 3 और कहीं रहता तो फिर हम लोग क्या करते, वाई का वैल्यू निकालते, ठीक है? चलिए अब आप वाई का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/2 आपका 2 आ जाएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं कि निकालना है, टाइम वेस्ट होगा, आप जहाँ पे भी 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड बचा सकते हैं वहां से आप बचाइए, ठीक है? क्लियर हो गया? अगले सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 यहाँ पे क्या है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 सेंटीमीटर है, यदि आधार 18 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक समान भुजाओं की लंबाई क्या है? ध्यान देंगे यहाँ पे, समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे बोला है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बोला है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका 2 कोण सेम होता है, तो दोनों कोण हम लोग ले लेते हैं इसका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी आपका ट्रायंगल है, ए बी सी में आप इसको और इसको दोनों को बराबर ले लीजिए, ठीक है? तो ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, बराबर होगी,
अब परिमाप दे रखा है, तो ये हो जाए ए मानते हैं, तो ये भी ए हो जाएगा, और नीचे वाला क्या होगा, बी होगा। तो आप यहाँ से देखिए, त्रिभुज का परिमाप आपको दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो परिमाप क्या हो जाएगा, तो 2a+b, यानी कि सभी भुजाओं का योग इसका परिमाप होता है, तो 2a+b इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, और आधार दे रखा है कितना, 18 दे रखा है, तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, 18 है, तो यहाँ से 2a+18 इज इक्वल टू 50, और 2a इज इक्वल टू 50 में 18 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 32, ठीक है, जैसे 32 और 18 50 हो जाएगा, है ना, 8 जोड़ेंगे 40 और 10 50, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 16, तो 32 को आधा कर देंगे तो 16 आ गया, यानी कि भुजा यानी कि साइड जो ए था वो कितना आ गया आपका 16 आ गया। अब क्या बोला है, अच्छा यही चीज तो पूछा है हमें, समान भुजाओं की लंबाई कितनी होगी, तो समान भुजाओं की लंबाई कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक नहीं दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो ये स्पेशल आपके लिए बुलाया गया है, GSSCGL 2024 मैथ्स है, जो 399 में आपको पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा, इसलिए आपका क्या है कि आपको टेस्ट फ्री दे दिया जाएगा, ठीक है, जो भी टेस्ट रहेगा वो फ्री रहेगा आपका, और चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपका ये टेस्ट भी चलेगा, ठीक है, और इसमें जो रहेगा वो आपका थ्योरी क्लास भी होगा और MCQ क्लास होगा और आपका मिक्स मैराथन भी होगा, ठीक है, एप्लीकेशन में है ये, तो आप लोग ले सकते हैं। सहायक आचार्य यदि आप मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए लेना चाहते हैं तो 1500 में आपको ये बूस्ट करेगा कोर्स, ठीक है, मतलब क्रैश कोर्स के जैसा एक रहेगा जो कि आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। और फाउंडेशन, जो कि फाउंडेशन आपका कितना है, तो 4000 है, क्योंकि ये सभी एग्जाम के लिए है, आप जो भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, ठीक है, वो तो सभी के लिए यहाँ पे होगा, क्योंकि हर टॉपिक वाइज आपको कवर कराएंगे इसमें, मतलब कोई ऐसा टॉपिक ना हो कि उससे सवाल आ गया और नहीं बताए हो, ठीक है, तो हर तरह के टॉपिक इसमें इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग 10 ही क्वेश्चन रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मैं अपने स्थान पे नहीं हूँ, बाहर में हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आप लोग नए होंगे, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सेम जैसा मतलब आपको यहाँ पे विद सॉल्यूशन वाला भी PDF मिलेगा और विदाउट सॉल्यूशन वाला भी PDF मिलेगा आपको, ठीक है। वैसे इसमें 20 सवाल है, 20 सवाल है, तो 20 सवाल का आपको PDF हम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, और एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और इसमें आप लोग देख लीजिएगा कि आपको आपके लिए कौन सा बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है, ठीक है। चलिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम लोग कल, अभी के लिए गुड नाइट।